टी20 वर्ल्ड कप में भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला आज एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। लगातार हो रही बारिश से खेल बिगड़ने की आशंका। झुग्गी झोपड़ी वालों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। दिल्ली में 3024 जरूरतमंदों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे पीएम मोदी। कालकाजी एक्सटेंशन में 345 करोड़ की लागत से बने हैं फ्लैट्स। गुजरात के मोरबी में हादसे वाली जगह के बाद सिविल अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी ने लिया घायलों का हालचाल। मृतकों के परिवार वालों से भी की मुलाकात। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क का फरमान। ब्लू टिक के लिए करना होगा $8 प्रति महीने भुगतान। लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट की मिलेगी सुविधा। मिशन हिमाचल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हमीरपुर, धर्मशाला और सोलन में करेंगे चुनावी जनसभा। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ। कल ईडी ने भेजा समन। मामले में गिरफ्तारी आरोपी के पास मिले सोरेन के बैंकिंग दस्तावेज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में 3 आतंकियों को ढेर किया जबकि एक आतंकी अनंतनाग में मारा गया। उत्तराखंड के काशीपुर में 3 शराफा व्यापारियों से मांगी रंगदारी। गोल्डी बराड़ के नाम से फोन कर मांगे 50-50 लाख रुपए। शिकायत के बाद बढ़ाई गई व्यापारियों की सुरक्षा। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।